चलिए तो समझते हैं फ्लैश पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट आसान भाषा में आपको समझाता हूँ मैं, कि मान लीजिए कोई लुब्रिकेंट है, और जो लुब्रिकेंट है आपका, है ना, वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया आपका। ठीक है, क्या हुआ, वेपराइज हुआ, और बस थोड़े एक मोमेंट के लिए क्या हुआ, इग्नाइट, मतलब थोड़ा सा, मतलब जला, ठीक है, पर थोड़े से मोमेंट के लिए, और फिर वो नहीं जलेगा। तो उसको बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे, जिस मतलब जो लोएस्ट टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा आपका, उस लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट कहा जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फ्लैश पॉइंट इज अ वोलाटाइल मटेरियल इज लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ द मटेरियल विल इग्नाइट फॉर अ मोमेंट व्हेन एन इग्निशन सोर्स ब्राउट नियर टू इट द लुब्रिकेंट ऑयल शुड हैव फ्लैश पॉइंट रीजनेबल अबव इट्स वर्किंग टेम्परेचर। देखिए मान लीजिए कुछ आपका जनरेटर ही है, ठीक है, अब उसमें कोई आप लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना, अगर फ्रिक्शन हो रहा होगा तो वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, अगर वो टेम्परेचर बढ़ गया और उस जो भी लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर रहे हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उसमें फायर लग सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि उसको बचाने के लिए जो फ्लैश पॉइंट है किसका, लुब्रिकेंट का, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फ्लैश पॉइंट अच्छे लुब्रिकेंट का क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया बात? फ्लैश पॉइंट वापस बताता हूं, लुब्रिकेंट का, है ना, लुब्रिकेंट होगा सबसे मिनिमम टेम्परेचर पर, बस जल कर, मतलब एक एक मोमेंट पर जले और फिर बुझ जाए, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। अब अगला पढ़िए फायर पॉइंट। फायर पॉइंट सब कुछ सिमिलर होगा, बस वो क्या लग जाएगा, आग ही लग जाएगा भाई, वो मोमेंट के लिए नहीं लगेगा, एटलीस्ट 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक जलता रहे उसका बत्ती, ठीक है, इसमें बस जल के बुझ जाए तो वो हो जाएगा फ्लैश पॉइंट। और जो जलता ही रह जाए 5 सेकेंड तक, मतलब आग ही लग गई है फिर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, फायर पॉइंट। वही देखिए, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ द फ्यूल और लुब्रिकेंट, है ना, जो कि क्या हो जाए आपका, कैच द फायर, ठीक है, समझ मारी बात। तो फायर पॉइंट क्या होना चाहिए, इज अराउंड 10 सेंटीग्रेड हायर देन द फ्लैश पॉइंट। यानी समझ में आ रहा है, फायर पॉइंट आपका ग्रेटर होना चाहिए किससे, मतलब फायर पॉइंट ग्रेटर ही होता है किससे, फ्लैश पॉइंट से, अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना लिखना, पर ये समझ में आ गया ना, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट, बहुत ईजी टॉपिक है, आसान समझ में आ गया होगा। तो अगर पसंद आया भाई तो लाइक वाइक तो कर देना, है ना, सब्सक्राइब भी कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा।